प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस से पगले अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन कर तो अमदावाद सोला गाम तड़ाव पास अंबा माता मंदिर पास भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम में 73 जेटला वृक्षों रोपार्पण कर आ दरमियान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अमदावाद मेयर प्रतिभा जैन सहित कोर्पोरेशन अधिकारी हाजर रहा था। अमदावाद में गईकाल सांज थी सतत वरसाद वरसी रह्यो छे। वहेली सवारथी मेघराजा धबधबाटी बोलावी रह्या छे त्यारे लोकोने अवरजवर में भारे मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। त्यारे सवारे वरसादने कारणे प्रहलादनगर पासे वीजळीनो पोल पड़ता रिक्षा चालक इजाग्रस्त थयो हतो। अमदावादना अर्धाथी रातथी जो मेघमहर यथावत जोवा मळी छे। अमदावादमां अविरत वरसादने पगले वासना बेरेजना 6 दरवाजा खोलवामां आव्या। वासना बेरेजना 2 दरवाजा 1 फूट ज्यारे 4 दरवाजा 2-2 फूट खोलवामां आव्या। वरसादना कारणे लोकोने बफारावाळी गरमीथी राहत मळी हती। अमदावाद शहर अने ग्राम्य विस्तार में वहेली सवारथी वरसाद खाबक्यो हतो। अमदावाद में लांबा विराम बाद वरसाद पड़वाने कारणे खेडूतों में आनंदनुं मोजुं फरी वळ्युं। तो अमदावाद शहर ना इस्कॉन बोपल जोधपुर जमालपुर दाणापीठ दुधेश्वर सहित विस्तार में वरसाद पड़ो हतो। अमदावाद ग्राम्य ना साणंद बावड़ा विरमगाम सहित विस्तार में वरसाद खाबक्यो हतो। सरदार सरोवर में लाखों क्यूसेक पानी छोड़वामां आवता डभोई में आवेली चांदोद गाम में डेमना पानी घुस्या हता जेना पगले लोकोने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। गाममां पानी घुसता मुख्य बजारों सहित गामना लोकोना घरोमां पण पानी फरी वळ्या हता जेना पगले लोकोनी घरवखरी पण तणाई गई हती। नर्मदा डेमना 23 दरवाजा खोलवामां आवता डेमना व्यू पॉइंट वनना भागमां दीवाल अने वृक्षो धोवाया हता। आ उपरांत त्यां रहेलू पाणी माटी पण पुराण पर धोवाता तंत्र एलर्ट बन्यु छे। तेमज डेमना व्यू पॉइंट 1 पर प्रवासीओ माटे प्रवेशबंदी करवामां आवी छे। व्यू पॉइंट 1 पर कोई प्रवासीओ पहोंचे नहीं ते माटे चुस्त पोलीस बंदोबस्त पण गोठवायो छे। नर्मदा नदी परना सरदार सरोवर डेमने 23 दरवाजा खोलीने लाखों क्यूसेक पाणी छोड़वामां आव्युं जेथी नर्मदा डेमथी 10 किलोमीटर दूरना गरुडेश्वर मेन हाईवे पर पाणी भराया हता। नर्मदा डेम में पानी छोड़वाने पगले करजण तालुका में नालीसार गामे पानी भराता अने पानी भरायेला पानी में 2-3 परिवार फसाया था। आ अंगेनी जाण थता एनडीआरएफ की टीम पहुंची और 5 पुरुष 10 बाळको तेमज 1 महिलानो बचाव करवामां आव्यो हतो। नर्मदा नदी में पानी की मात पर आवक थी सरदार सरोवर डेम सीजन में प्रथम वक्त संपूर्ण भरायो छे त्यारे सीएम भूपेन्द्र पटेल सरदार सरोवर डेम पहुंची नर्मदा नवा नीरनी वधामणा कर्या हता। नर्मदा डेम पर दरवाजा मुकाया बाद आज 6 वक्त डेम संपूर्ण भरायो छे त्यारे मुख्य प्रधाने सरदार सरोवर पहुंची नर्मदा नीरना वधामणा कर्या हता। अविरत वरसादना कारणे भरूचना गोल्डन ब्रिज नजीक नर्मदा नदी सवारे 24 फूटनी भयजनक सपाटीने पार पहोंची गई हती। सवारे 6 कलाके नदीनुं जळस्तर 28.21 फूट नोंधायुं हतुं। नदीनी सपाटी वधता भरूच शहेरना दंतमंदिर अने ऊर्जा खाते नर्मदाना पाणी मंदिरमां प्रवेश्या हता। नर्मदा नदीनी जळसपाटी वधवाने कारणे नीचाणवाळा विस्तारोमां 500થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું। महिसागर में वहली सवारे वरसाद वरसों से क्यांक झरमर तो क्यांक भारे वरसाद वरसी रह्यो छे। लुणावाड़ा सतरामपुर खानपुर वीरपुर कंडाणा बालासिनोर सहित तालुकाओं में धोधमार वरसाद वरसों से जेना कारणे नीचाणवाड़ा विस्तारों में पाणी भराया हता। लुणावाड़ा नगरना रस्ताओं पर पण जळबंबाकार जेवी स्थिति सर्जाई हती। छोटाउदेपुर तालुका में वरसाद वरस्यो छे। हवामान विभागे मध्य गुजरात में भारे वरसादनी आगाही करी छे। तेवामां छोटाउदेपुर देवहाट तेजगढ़ जोज सिंगला पंथक में वरसाद वरस्यो छे। सतत वरसादथी खेडूतों में खुशी छे। सरदार सरोवर डेमनी जळसपाटी वधता सीजन में प्रथमवार नर्मदा नदी में पाणी छोड़वामां आव्युं जेने लईने डभोई तालुकाना चांदोद करनाड़ी खाते मोटा प्रमाण में नदी में पाणी वहेतुं थयुं हतुं जेथी कांठा पर आवेला गामों ने एलर्ट करवामां आव्या हता। वरसादनी आगाहीना पगले यात्राधाम अंबाजी में पण मोड़ी सांजे वरसादी माहौल छवायो। दिवस दरमियान भारे बफारा बाद अंबाजी अने आसपासना विस्तारों में धोधमार वरसाद थयो। एकाद कलाक जेटला वरसादी राउंडथी अंबाजीना बजारों में पाणी भराई गया हता।
बनासकांठामां वरसादनी आगाहीने ध्यानमां लईने डिजास्टर विभागे तंत्रने एलर्ट रहेवानी सूचना आपी छे। पालिकाना चीफ ऑफिसरे मामलतदार अने प्रांत अधिकारीओने हेडक्वार्टर न छोड़वा माटेनी सूचना आपी छे। तेमज जो वधु वरसाद पड़े तो जिला कंट्रोल रूम पर संपर्क करीने परिस्थिति कया प्रकारनी छे ते जणाववा माटेनी पण सूचना आपी छे। મહીસાગર કંટાળા ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો થયો છે। મહી બજાજ સાગર ડેમમાંથી પાણી છોડાતા કંટાળા ડેમમાં પાણીની આવકમાં સતત વધારો થયો છે। કંટાળા ડેમમાં હાલ 25,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાય છે। પાણીની આવકને લઈને ડેમમાં પાવર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। પંચમહાલના મોરવા હડફના હડફ ડેમમાં પાણીની આવક નોંધાઈ હતી। જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વરસી રહેલા વરસાદને લઈને હડવા ડેમમાં 895 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ હતી। ડેમમાં પાણીની આવક થતાં રૂરલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે ડેમમાંથી 1364 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે। દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક થઈ રહી છે। ઉકાઈના ઉપરવાસમાં આવેલા મહારાષ્ટ્રના હથનુ ડેમના 41,000 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, જેમાં હથનુ ડેમમાંથી 13,42,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું। ડેમની સપાટી 338.12 ફૂટ પર પહોંચી હતી। ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસમાં પણ મોખરે છે, પરંતુ તેની સામે ગુજરાતમાં નાણાકીય છેતરપિંડી અને ઠગાઈના ગુનાઓમાં પણ સતત વધતા જાય છે। તમને જણાવીને નવાઈ લાગશે કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 3,800 કરોડની ઠગાઈ ગુજરાતીઓ સાથે થઈ છે। વિધાનસભા સત્રના અંતિમ દિવસે રજૂ થયેલા રિપોર્ટમાં ગંભીર બાબતો સામે આવી છે કે એકના રિપોર્ટ પ્રમાણે બાલારામ અને જયસુર અભયારણ્યમાં વન સંરક્ષણ અધિનિયમનો ભંગ કરીને અતિક્રમણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ સાથે જ અભયારણ્યના સીમાંકનમાં પણ મોટી ખામીઓ સામે આવી છે। સીમાંકન માટેના રેકર્ડની જાળવણી કરવામાં વન વિભાગે બેદરકારી દાખવી છે। પબ્લિક યુની બિલ વિરોધ અંગે કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપતા ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં છેલ્લા 3 દાયકામાં શિક્ષણનું ખાનગીકરણ થયું છે, જેના લીધે શિક્ષણની ગુણવત્તા નબળી થઈ તેમજ આપણે શિક્ષણમાં પીછેહઠ થઈ રહ્યા છે। રાજકોટ મનપાની આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી, જેમાં ભરતી અંગેની 47 જેટલી દરખાસ્તોને મંજૂર કરવામાં આવી છે। બેઠકમાં રૂપિયા 4.5 કરોડની અલગ અલગ દરખાસ્તને મંજૂરી મળી છે। મહત્વનું છે કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયમીન ઠાકરની આ પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક હતી। ગુજરાતમાં શીખોના પરિવાર કેટલાક વર્ષોથી વસવાટ કરે છે, ત્યારે કચ્છના લખપતમાં જ્યારે પંચાયતની ચૂંટણી યોજાય ત્યારે ઉપપ્રમુખના પદ માટે જુગરાજસિંહ સરદારને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, તો તેમનો હરખનો પાર નહોતો, તો ભાજપના આ નિર્ણયને શીખ સમાજે આવકાર્યો હતો। હમણાં તમામ મહાનગરોમાં નવા મેયરની નિમણૂક થઈ, જેમાં ભાવનગર મેયર ચર્ચામાં છે। સામાન્ય પરિવારથી આવતા મેયર ભરત બારડના માતા ખરેખર પ્રેરણાદાયક કિસ્સો છે। ભલે ભરતભાઈ ભાણેવાસીઓ માટે ભલે મેયર હોય, પરંતુ આજે પણ તેના માતા અલગ અલગ મંદિર બહાર ફૂલની માળા બનાવીને વેચાણ કામ કરે છે। સુરતના નવનિયુક્ત મેયર તેમજ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ચંદનની ચોરીના મામલે એક્શન મોડમાં જોવા મળ્યા હતા। સુરતના ચોક બજારમાં ચંદનના લાકડાની ચોરીની ઘટના મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવા માટેની આદેશ સુરત મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દ્વારા અધિકારીઓને આપવામાં આવ્યા। મહીસાગરમાં પીએમ કિસાન યોજનાના 64,200 જેટલા લાભાર્થીઓને 12મો હપ્તો નહીં મળે। મહત્વનું છે કે મહીસાગરમાં પીએમ કિસાન યોજનાના 12,21,000 જેટલા અરજદારો છે, પરંતુ 64,200 લાભાર્થીઓના આધાર કાર્ડ અને લેન્ડ સીડિંગનો અભાવ હોવાને કારણે તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં હપ્તો જમા નહીં થાય, જેથી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીએ ખેડૂતોને તાત્કાલિક આધાર કાર્ડ સહિત લેન્ડ સીડિંગ લિંક કરાવવા તાકીદ કરી હતી। વાહન ડીલરોને નંબર પ્લેટ લગાવીને જ વ્હીકલ આપવાના નિર્ણયને હાઈકોર્ટમાં પડકાર આવ્યો છે। ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશનર દ્વારા વાહન ડીલર્સને આરટીઓની કામગીરી સોંપવાના પરિપત્ર વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે। હાઈકોર્ટમાં અરજી પર દ્વારા પરિપત્રના અમલ માટે સ્ટે માંગવાની માંગ કરાઈ છે। જામનગરના પસાયા ગામમાં તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। 4 ઈંટોના ભઠ્ઠાનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું। તંત્રએ નોટિસ પાઠવ્યા બાદ ભઠ્ઠાના માલિકે દંડ ભર્યો હોવા છતાં પણ ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ ભઠ્ઠાના માલિક દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે।
वलसाडना कपराणा वाड़ी गाम में छेल्ला केटलाक समय थी डुंगरना ढोड़ाववाड़ा विस्तार में भेदी परिवर्तनों आव्या छे। जमीनों में मोटी तिराड़ पड़ी है। डुंगरनो एक भाग ढड़ी पड़ता होवानी परिस्थिति सर्जाई छे, जेने कारणे गामना लोको में भयनो माहोल छे। तंत्रना अधिकारीओ कारण जाणवा प्रयासो शुरू कर्यो छे। उनाना वडवियाड़ा गाम में घृणास्पद घटना सामे आवी, ज्यां गामना आंधेड़ पशु साथे सृष्टि विरुद्ध कृत्य करते वीडियो वायरल थयो हतो, जेने पगले आंधेड़नी पोलीसे पूछपरछ हाथ धरी हती अने गुनो दाखल करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। अंबाजी भादरवी महामेळाने अनुलक्षीने नो पार्किंग झोन जाहेर करवामां आव्यो छे। आगामी तारीख 23 थी तारीख 29 सुधी अंबाजी मुकामे भादरवी पूनमनो महामेळो भरावनार छे। आ मेळामां समग्र जिल्लामांथी मोटी संख्यामां पगपाळा यात्राळुओ अने संघो पण आवता होय छे, त्यारे जेथी अंबाजी टाउन तेमज आसपासना मार्गोने नो पार्किंग झोन जाहेर करवामां आव्यो छे। भादरवी पूनमने लईने छेल्ला 30 वर्षथी जता अमदावादना व्यासवाड़ी पगपाळा संघे प्रस्थान कर्युं छे। अमदावादना वाड़जना व्यासवाड़ीना पगपाळा संघ द्वारा आ वर्षे पण 52 फूटनी ध्वजा लईने अंबाजी धाम जवा माटे प्रस्थान कर्युं हतुं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जणाव्युं कि देशमां मोटा परिवर्तननी जरूर छे अने त्यानी शुरूआत तेलंगणाथी थशे। सीडब्ल्यूसीनी बेठकमां कांग्रेसना नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओ हाजरी आपी हती अने 5 राज्योमां योजनारी चूंटणी अंगे चर्चा करी हती। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसना अध्यक्ष बन्या बाद प्रथम वखत आजे 2 दिवसीय कांग्रेस वर्किंग कमिटीनी बैठक आयोजित थई छे। हैदराबादमां आयोजित आ बैठकमां कांग्रेसना वरिष्ठ नेताओ लोकसभा चूंटणी लईने रणनीति पर मंथन करशे। 2024नी लोकसभा चूंटणी माटे विपक्षी गठबंधन इंडियानी रचना बाद आ प्रथम कांग्रेस वर्किंग कमिटीनी बैठक छे। हैदराबादमां योजनारी कांग्रेस वर्किंग कमिटीनी बैठक अगाउ सोनिया गांधीए महत्वपूर्ण निवेदन आप्युं छे। कांग्रेस पार्टी तेलंगणा अने देशना लोकोना सन्माननी रक्षा माटे विकासनो नवो अध्याय लखवा माटे संपूर्णपणे तैयार छे। कांग्रेस पार्टी हमेशा तेलंगणाना लोकोनी आकांक्षाओ साथे उभी रही छे। हवे राज्यने प्रगति अने समृद्धिना नवा युगमां लई जवानो समय छे। सनातन धर्मना चाली रहेला विवाद वच्चे केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे कांग्रेस पर हवे बंधारणनो नाश करवानो आक्षेप मूक्यो छे। अनुराग ठाकुरे कह्युं के कांग्रेसना नेताओ राहुल गांधी अने सोनिया गांधी एवा लोकोने मंजूरी आपे छे जेओ बंधारणनो नाश करवा मांगे छे। केटलाक लोको देशना विकासथी खुश नथी जेथी तेओ बंधारणनो नाश करवा मांगे छे। बिहारना मधुबनीमां केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे जणाव्युं के जेडीयू अने आरजेडीनुं कॉम्बिनेशन तेल अने पाणी जेवुं छे, बने क्यारे मिक्स नहीं थाय। हुं नीतीश कुमारने कहेवा मांगू छुं के स्वार्थ जेटलुं पण होय परंतु तेल अने पाणी एक थई शकता नथी। आ साथे अमित शाहे तेमना भाषणमां बिहारमां वधती गुनाखोरी मुद्दे राज्य सरकारने टीका करी हती। बिहारना मधुबनीमां अमित शाहे जणाव्युं के स्वार्थना आधारे गठबंधन तैयार करवामां आव्युं छे। लालू प्रसाद यादव तेमना पुत्रने बिहारनो मुख्यमंत्री बनावा मांगे छे, ज्यारे नीतीश कुमार वडाप्रधान बनवा मांगे छे, परंतु तेमने याद अपावा मांगू छुं के पीएम पद खाली नथी कारण के फरीवार वडाप्रधान मोदी पीएम बनशे। बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे जणाव्युं के तेओ अमित शाह सहित भाजपना नेताओना निवेदन पर ध्यान आपता नथी। भाजपना नेताओ कई पण बोले छे, तेमने बिहारमां थयेला विकासलक्षी कार्योनुं ज्ञान नथी। आ लोकोने मात्र गमे ते बोलवानी आदत छे, आ माटे तेमने कोई वेल्यू नथी। बिहारना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवीए केन्द्र सरकार पर आकरा प्रहार कर्या हता। तेमने जणाव्युं के सरकारे मोंघवारी अटकाववा माटे कोई खास पगला लीधा नथी। देशना लोको चूंटणीमां तेमने जवाब आपशे। भाजपना लोको कहे छे के पीएम मोदी फरीवार वडाप्रधान बनशे, तेनो अर्थ ते नथी के तेओ पीएम बनशे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए विपक्षी गठबंधन ने घमंडी गठबंधन गणाव्युं हतुं। आ मामले कांग्रेस सांसद शशी थरूरे वर्तो प्रहार कर्यो छे। तेमणे कह्युं के तेमनामां सत्तानो घमंड स्पष्ट देखाई रह्यो छे। जेओ अहंकारी छे तेओ ज सत्तामां छे, जे आपणे रोज जोवा मळे छे। तेमणे कह्युं के मने लागे छे के अमे गठबंधने जे नाम आप्युं छे ते तेमनाथी सहन थतुं नथी। कांग्रेसना नेता पवन खेराए पीएम मोदीना ग्लोबल नेताओनी रेटिंगमां आगळ आवा मुद्दे आकरी प्रतिक्रिया आपी हती। तेमणे कह्युं के ज्यारे कोईपण पक्ष युक्तिनो उपयोग करे छे त्यारे आपणे समजवुं जोईए के आगळ शुं थवानुं छे। ते वैश्विक नेता बन्या अने यूके छोड़ी दीधुं। पीएम ऋषि सुनक पाछळ तमारे ऋषि सुनक साथे चूंटणी लड़वानी जरूर नथी।
हैदराबाद में करप्ट वर्किंग कमिटी ना पोस्टर वायरल थता बाबते बात करता कांग्रेस ना नेता पवन खेड़ाए दाव कर्यो के कविता ना परिवार में भ्रष्टाचार मुद्दे समझूती करवामां आवी छे। तेमणे गंभीर आरोप लगावता कह्युं के हैदराबाद में कविता ना भाई द्वारा भ्रष्टाचार आचरवामां आवे छे ज्यारे तेलंगाणा की जवाबदारी तेमना पिता की छे। भाजपना सांसद रविशंकर प्रसाद जणाव्युं के विपक्षी ईंडी गठबंधन ने सनातन धर्म और भगवान राम नु अपमान कर्यु छे त्यारे आ विषय सोनिया गांधी राहुल गांधी और कमलनाथ चुप छे। अमे आ गठबंधन ने पूछवा मांगीए छे कि शुं तेवो कोई अन्य धर्मना ईश्वरीय प्रतीकों विषे पण आ प्रकारनी टिप्पणी करशे। देश आवा निवेदनों स्वीकार करशे।